हमने प्रदेश में चयनित शिक्षकों से लेकर बेरोजगारों तक की आवाज को लगातार बुलंद किया है और इसी कड़ी में अब हम इन अतिथि शिक्षकों की आवाज को भी उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और हम इनकी मांगों को पूरा करवाने तक इनकी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। बस जरूरत है तो आपके साथ की, आपके सहयोग की, ताकि सरकार तक इनकी बात को पहुंचाया जा सके। देश के भविष्य की नींव तैयार करने वाले शिक्षक, इंजीनियरों की फौज तैयार करने वाले टीचर्स मध्य प्रदेश में आज घंटे की मजदूरी करने को मजबूर हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम शुक्ला और आप देख रहे हैं द लोक नीति। दोस्तों, हजारों की तादाद में तकनीकी शिक्षकों की दयनीय हालत चिंताजनक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन अतिथि शिक्षकों को 400 रुपए पर लेक्चर दिए जाते हैं और ये एक दिन में अधिकतम 3 से ज्यादा लेक्चर भी नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा इनका कार्यवध साल में महज 11 महीने का है। कुल मिलाकर अगर मोटा माटी वार्षिक आधार पर लेखा जोखा समझे तो सरकार इन्हें 4 से 5 हजार रुपए पर महीने दे रही है। यह तो वही बात हुई कि ऊंट के मुंह में जीरा। देश में महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल से लेकर डीजल तक, राशन तक की दुकानें में महंगाई का प्रकोप दिख रहा है। ऐसे में इन शिक्षकों का मानदेय मात्र 5 हजार रुपए महीने, ये हास्यास्पद नहीं लगता? जरा सोचिए, जबलपुर रीवा जैसे शहरी क्षेत्रों में स्थित इन कॉलेज के अतिथि प्राध्यापकों के इस महंगाई में महीने पर मिलने वाली इस 5 हजार की तनख्वाह से ये कितना खाते होंगे, कितना बचाते होंगे। मध्य प्रदेश के लगभग 1100 अतिथि विद्वान लगातार सरकार से मासिक वेतन लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। जबकि समान योग्यता वाले अन्य शिक्षण संस्थानों जैसे डीएवीबी इंदौर, आरजीपीवी भोपाल में 25 से 30 हजार रुपए तक मासिक वेतन लागू कर दिया गया है। ये शिक्षक भी लगातार समान कार्य समान वेतन की मांग कर रहे हैं। इसका आदेश भी संबंधित विभाग द्वारा 2 वर्ष पूर्व ही लागू कर दिया गया था, लेकिन इसे अभी तक जमीनी स्तर पर नहीं उतारा गया है। मासिक वेतन के लिए इन शिक्षकों ने लाल स्याही से पोस्ट कार्ड लिखकर ट्विटर पर पोस्ट करने से लेकर तकनीकी शिक्षा मंत्री को पोस्टर भेजने तक का कार्य कर चुके हैं। इसके बावजूद सरकार न तो इनकी सुध ले रही है और न ही इनकी मांगों पर अभी तक कोई ध्यान दे रही है। सरकार को इन अतिथि शिक्षकों के बारे में सोचना चाहिए, जल्द से जल्द इनकी वाजिब मांगों को पूरा करना चाहिए। आपसे अलविदा लूं इसके पहले आपको बता दूं कि हमने प्रदेश में चयनित शिक्षकों से लेकर बेरोजगारों तक की आवाज को लगातार बुलंद किया है और इसी कड़ी में अब हम इन अतिथि शिक्षकों की आवाज को भी उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और हम इनकी मांगों को पूरा करवाने तक इनकी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। बस जरूरत है तो आपके साथ की, आपके सहयोग की, ताकि सरकार तक इनकी बात को पहुंचाया जा सके। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।